मुंबई में रहने वाले एक 13 साल के लड़के का अगले दिन मैथ्स का एग्जाम था। जब बुक ढूंढने गया तो पता लगा कि गलती से उसकी बुक मुंबई में रहने वाले अंकल के घर पे रह गई है। तो उसने पापा को कॉल किया और कहा कि क्या आप किसी लड़के को भिजवा कर बुक मंगवा देंगे। तो पापा ने कहा ये पॉसिबल नहीं है, सब बिजी है। तो फिर उसने कहा कि क्यों ना अंकल को कह दें आप कि वो कुरियर करवा दें। तो पापा हंसने लगे कि पहली बात तो सेम डे कोई कुरियर देगा नहीं, और अगर देगा भी तो बहुत ज्यादा चार्ज करेगा जितने में तो तुम बुक खरीद लोगे। तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसके दिमाग में आया। उसने सोचा कि क्यों ना एक स्टार्टअप शुरू किया जाए जो कि सेम डे पिकअप करे और सेम डे डिलीवरी करे, और वो भी कम चार्जेस में। 8 महीने की मेहनत के बाद उसने कंपनी शुरू की और देखते ही देखते वो कंपनी करोड़ों की कंपनी बन गई। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट पेपर्स एंड पार्सल्स, एंड उस 13 साल के लड़के का नाम है तिलक मेहता। गाइज, यहां सीखने लायक बात यह है कि आइडियाज कभी भी उम्र के मोहताज नहीं होते। एक दुबला पतला सा लड़का अपने देश की सेवा करने के लिए फौज में भर्ती होना चाहता था और उसके लिए वो ट्रेनिंग भी ले रहा था। इतने में ही वहां पर आए एक फौज के जनरल ने उसे देखकर उसके सिलेक्टर को कहा कि तुमने इसको सिलेक्ट क्यों किया है, ये फौज में भर्ती होने लायक नहीं है। और इस चीज को प्रूफ करने के लिए उस जनरल ने एक ग्रेनेड उस ट्रेनिंग ले रहे ग्रुप के बीच में फेंक दिया। लेकिन मजे की बात यह हुई कि जहां पर उस ग्रेनेड को देखने के बाद सारे लड़के दूर भाग गए, वहीं वो दुबला पतला लड़का उस ग्रेनेड के ऊपर कूद गया और सब लोगों को दूर हटने को कहने लगा। हालांकि वो ग्रेनेड नकली था, लेकिन इस घटना को देख के उस जनरल को समझ में आ गया था कि कद काठी होने से कुछ नहीं होता, साहस यानी कि जिगरा जिसके पास होता है महान वही बनता है। आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। लेन रिचर्ड नामक एक ऑस्ट्रेलियन बंदे को रोड पे एक जोई यानी कि एक बेबी कंगारू अपने माँ के शव के पास मिला। उसकी माँ की मृत्यु कार एक्सीडेंट की वजह से हो गई थी। अब वो उसे अपने घर ले आया। उसने और उसकी फैमिली ने उस कंगारू को बड़े प्यार से पाला। उनकी प्रॉपर्टी में बने एक बड़े से फार्म में वो कंगारू खेलता रहता था। एक दिन लेन अपनी प्रॉपर्टी में घूम रहा था, तभी अचानक से एक पेड़ का तना उसके सर पे आके गिरा और वो वहीं बेहोश हो गया। तब वहां पर वो कंगारू भागता हुआ आया और तब तक चिल्लाता रहा जब तक उसकी फैमिली ने लेन को ढूंढ नहीं लिया। गाइज, ये बेजुबान जानवर वफादारी का कर्ज निभाना बहुत अच्छे से जानते हैं। आपका इस घटना के बारे में क्या ख्याल है चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर किसी होटल के रूम में या फिर किसी चेंजिंग रूम में हिडन कैमरा लगा हो तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। अब प्रॉब्लम ये है कि कैमरास इतने छोटे होते हैं कि हमारी नेकेड आई से हम इसे देख ही नहीं सकते। तो घबराइए मत गाइज, क्योंकि एक ऐसा पोर्टेबल डिवाइस आ गया है जो आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं, और जब आप होटल या फिर चेंजिंग रूम में जाएं तो इस पोर्टेबल डिवाइस को ऑन करके आप हिडन कैमरा को, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे ढूंढ सकते हैं। ये लेजर LED टेक्निक पे काम करता है। जैसे आप इसे ऑन करते हैं और आंख पे लगाते हैं तो वो किसी भी हिडन कैमरा को ब्लिंक करता हुआ दिखा देता है। हिडन कैमरा चाहे ऑन हो या ऑफ, ये डिटेक्टर फिर भी उसे डिटेक्ट कर लेता है। इस टेक्नोलॉजी के बारे में जानकर आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।